तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज भी मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है पूरे मोटोब्लॉग कम्युनिटी से, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर से देखना। और हाँ, वीडियो के लास्ट में ही हम ये भी जानने वाले हैं कि प्रो राइडर के फादर ने आमिर माजिद को क्यों कहा चोर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रो राइडर 1000 के किस के अपडेट के बारे में। तो कल एक यूट्यूब चैनल से एक वीडियो आया जिसमें सूरज वर्मा एंड एचके ऑन व्हील्स प्रो राइडर 1000 के घर गए हुए थे और वो वहाँ पर आमिर माजिद से रिलेटेड बात किए। वो क्या कहे आप खुद देख लो। दोनों का कॉल आया पुलिस का आया ना कि भाई आपको वहाँ थाने आना पड़ेगा, इस तरह की बात है आ गया ना। बस क्रिमिनल का साथ मत दो। हम पहली बार उससे मिले थे और पहली बार में ही मैंने इसलिए अपने वीडियो में पुटअप किया कि उस बंदे को वहाँ पहुँचना था, वो नहीं पहुँचा। एंड इसी वीडियो में सूरज वर्मा ने बताया कि आमिर माजिद बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है। एटीट्यूड वाला बंदा था कि मेरे को 2.5 मिलियन है तो इसके बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर से बताना। नेक्स्ट हम बात करने वाले जट प्रज्योत के बारे में। तो आपको पता होगा कि उनका नेपाल में एक्सीडेंट हुआ था एंड वो रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पोस्ट किए थे, तो उसके नीचे एक ने कमेंट किया था नेपाल जाओ और एकाद को निपटा के आ जाओ, जिसका रिप्लाई करते हुए जट प्रज्योत कहे भाई अपने घर का एड्रेस दे दो, पहले आपके पास ही आता हूं। एंड वो इसको अपने स्टोरी में शेयर करते हुए कहे क्या करूं ऐसे बंदों का। नेक्स्ट हम बात करने वाले यूके जर्सी राइडर के बारे में। तो फाइनली यूके जर्सी राइडर ने कंप्लीट कर लिए हैं 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर क्या था यूके जर्सी राइडर रिएक्शन आप खुद देख लो। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं वन इन साइट के बारे में, जिसमें एक लकी जेट नाम का एक गेम है जहां पर आप अपनी पायलट को अपनी मर्जी से टेक ऑफ करवा के अच्छी खासी धनराशि जीत सकते हैं। मैं लकी जेट में 5000 रुपए डिपॉजिट कर चुका हूं और देखते हैं मैं कितना रुपए जीतता हूं। तो करना कुछ नहीं है, वन विन ऐप पर जाना है, लकी जेट पर क्लिक करना है और अपने पायलट को टेक ऑफ करवा देना है। अब आपका यहां पर मेन टास्क यही है कि आपको पैसे कलेक्ट करना है इससे पहले कि आपका पायलट चला ही जाए। यहां पर मेरा जो पायलट है वो उड़ चुका है और मैं जीत चुका हूं 7720 रुपए और ये चीज मैं एक बार और ट्राई करना चाहूंगा और फिर से मेरा पायलट उड़ चुका है और इस बार मैंने जीते हैं 8880 रुपए। जीते हुए धनराशि को विद्रॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, अकाउंट में लॉगिन करना है और विद्रॉल पर क्लिक करना है और आपको जो मेथड बेस्ट लगता है उसे आप जीते हुए पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो यार वन विन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो और मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो विथ रोहित तो आपको मिलेगा अपने साइन अप पर 25000 रुपए का बोनस, वो भी आपके पहले डिपॉजिट पर। और हां मैं एक चीज बता देता हूं, यहां पर आपको मनी डिपॉजिट करने के लिए पेटीएम यूज करना चाहिए क्योंकि वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। ये देखो मेरा जीता हुआ अमाउंट मेरे बैंक में ट्रांसफर भी हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर तुरंत जाओ और अर्निंग स्टार्ट कर दो। बल्ले बल्ले गाइस, कांग्रेचुलेशंस मेरी मां, कांग्रेचुलेशंस। बल्ले बल्ले गाइस, वी आर 6 मिलियन ऑन YouTube बॉयज, वी आर 6 मिलियन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। तो इनकी तरफ से कल एक ब्लॉग आया जिसमें फाइनली वो अपने घर पहुंच गए हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स की तबीयत अभी ठीक नहीं है। एंड अभी 0135 राइडर की तरफ से एक वीडियो आया जिसमें प्रो राइडर के फादर ने बताया कि मैं आमिर माजिद को बुला रहा हूं तो वो अपने पेरेंट्स का बीमार होने का बहाना बना रहा है। आमिर माजिद अपनी गाड़ी बहाना बना रहा है कि मेरी मदर बीमार है, उन्होंने फोन किया उसे। अच्छा, और उसके मित्र जो थे वो कह रहा है लोकेशन भेज तेरे पास आ जाते हैं, उनको उल्टा बोल के ये बोल रहा है कि मैं और दूर जाता हूँ। नेक्स्ट बात करने वाले द वाइल्ड ऑफ के बारे में। इनकी तरफ से कम्युनिटी पोस्ट आया जिसमें वाइल्ड ऑफ की बाइक का क्रेश हो गया है एंड कैप्शन में वो लिखे प्रे, सो होपफुली द वाइल्ड ऑफ का हेल्थ कंडीशन सही हो। लास्ट स्टोरी हम बात करने वाले हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो क्या जो यूट्यूबर जो अपना इनकम बताते हैं हम इतना कमाते हैं हम उतना कमाते हैं वो फेक होता है एंड अगर फेक ही होता है तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके बारे में बताते हुए क्रेजी दीप कुछ स्टोरीज पोस्ट किए आप खुद देख लो। काफी सारे पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन देखता हूं कि ओ माय गॉड भाई आप इतना कमाते हो। भाई ये लोग हाईलाइट करते हैं यार कि इन्फ्लुएंसर इतना कमा रहे हैं, लोड़ा वहनचोद, सब झूठ बोल रहे हैं। 90% इन्फ्लुएंसर्स अपनी अर्निंग जो है फेक करते हैं ताकि उनको ब्रांड्स भाव दें, जितना ये क्लेम करते हैं उसका लोड़ा कुछ नहीं कमाते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि किसी इन्फ्लुएंसर से ऐसे मत हो जाओ कि यार ये इतना कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा, तो मैं MBA छोड़ के यूट्यूब स्टार्ट कर दिया या इंजीनियरिंग चल रही है बढ़िया, हो सकता है कि भाई कंपनी इससे बेटर कंपनी मिल जाए तुम्हें। और ये सब ना यार तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड खा जाता है एक टाइम पे, तुम बोर हो जाते हो, तो बहुत वाइजली चूज करो यार। और मैं तुम्हें डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ भाई, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, आओ भाइयों वीडियोस बनाओ, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि यार अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है
तो भाई अपना करियर मत छोड़ ले। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ, गुड बाय।